वहीं जनपद अल्मोड़ा में सड़कों के सुधारीकरण को लेकर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अपने दर्जनों लोगों के साथ संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने विभाग पर लोगों की समस्या को अनदेखे करने का आरोप लगाया। बता दें कि नगर का महत्वपूर्ण मार्ग गैस गोदाम लिंक मार्ग के सुधारीकरण का कार्य पिछले लंबे समय से आधा अधूरा लटका हुआ है, जिसको लेकर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने सप्ताह पहले लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी थी और कहा था कि विभाग एक सप्ताह के भीतर गैस गोदाम लिंक मार्ग में सुधारीकरण का अवशेष कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो संबंधित विभाग के अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर आज कर्नाटक अपने दर्जनों साथियों के साथ बदहाल लिंक मार्ग पर ही धरने पर बैठ गए और जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने उन्हें एक हफ्ते में काम शुरू करने का भरोसा दिया गया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। समय से सड़क क्षतिग्रस्त है, गैस गोदाम संपर्क मार्ग और हमारी एक सड़क और भी थी जिस पर हमने लंबे समय से 2014 में उसकी घोषणा की थी, मुख्यमंत्री घोषणा, वो भी अभी तक उसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। तो सड़कों को लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं, अधिकारी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है एक सप्ताह का और हम लगातार पत्रों के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को और विभाग को चेताने का काम। लापरवाही नहीं है, कई तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसके अंतर्गत हमें कार्य करना पड़ता है। अभी जैसे आप लोगों की जानकारी में होगा, यहाँ पे जल निगम ने सीवरेज का काम किया था, इसके कारण से काफी टूट फूट हुई है और कुछ पैसे दिए थे, कुछ काम करा दिए हैं, बाकी जो है अभी शीघ्र ही पैसा आने वाला है। जैसा कि माननीय ने कहा है, हम शीघ्र ही काम को शुरू कर दें।